मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन का ये एक बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव फैसला है। पहले भी था कि जो क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है उसको जनता को जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए पहले जो है वो पब्लिकेशन करने की बात थी, उसके अलावा जो है वो एफिडेविट तो दिया ही जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है निर्वाचन आयोग ने पहले भी ये बातें की थी, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी तब भी ये बातें सामने आई थी। लेकिन अगर देखें, सरकार बनते ही बहुत सारे अपराधियों के मुकदमे वापस किए गए थे और सरकार में शामिल कई सारे मंत्रियों के, आला सरकार चलाने लोगों के भी मुकदमे वापस किए गए थे। तो बिहार का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, क्राइम रिकॉर्ड है। भारतीय जनता पार्टी या उनके गठबंधन के लोग बिहार में क्राइम के नाम में पहले स्थान पर हैं, उनके गठबंधन के लोग पहले स्थान पर हैं। तो निर्वाचन आयोग उस परंपराओं का निर्वहन कर रहा है जो हमेशा करता रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।